गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 3 दिन की छुट्टी मौज कर ली, अब जा रही है काम पर। सैटरडे का दिन है, अब कल संडे है, कल तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा आधे घंटे पहले। तो काम पे पहुँचते हैं, 4 दिन लगातार काम है। और जब काम पे नहीं जाते तो लाइफ लगने लगती है काम पे जाने के बाद। अरे ये क्या शुरू हो गया फिर से। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और वीडियो पूरी देख लिया करो जब प्ले करते हो। तो 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ने से वीडियो सजेशन में जाना बंद हो जाती है, क्योंकि इसका वॉच टाइम कम हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो चला के छोड़ दिया करो एटलीस्ट जब प्ले करते हो। तो नहीं करते तो बात ही अलग है। तो आज का दिन कैसा रहता है सब कुछ बताएंगे, जुड़े रहना, स्टे ट्यून्ड। शिफ्ट इज डन गाइस। तो जा रहे हैं घर पे। सुबह एग्जैक्ट 7 बजे मैंने टैप किया और 2.5 किलोमीटर भाग भाग के पहुंचा 11 मिनट में, क्योंकि क्या था, बस 7:05 पे दिखा रही थी, उस हिसाब से तो मैं 7:10 के आसपास टैप कर पाता। मैं ज़रा, यहाँ से 3 स्टॉप है और यहाँ से अंदर जाने का 500-600 मीटर है, तो 2.5 किलोमीटर के आसपास है, 11 मिनट है। या तो बस का वेट कर ले, 10 मिनट लेट हो जा, या थोड़ा भाग भाग के चले जा, या तो 7 बजे पहुँच जाएगा, 7:02-3 पे पहुँच जाएगा एटलीस्ट। ये तो रह नहीं रहेगा ना, इतना ही लेट आ रहा है। भागा भागा भागा, फिर हिम्मत आ गई कि थोड़ा सा रह गया और थोड़ा सा रह गया, अब इतनी एफर्ट लगाई ली तो और लगा ले। 7 बजे का ही टैप कर दिया, और मैंने एग्जैक्ट 7 बजे कर दिया, देखा। जबकि बीच में ऊँचाई वाला रास्ता भी था यार, बस गई लग रहा। पकड़ लिया मैंने इसको, देख लो रास्ते में पीछे गाड़ी देखो, एक नंबर। आने में पूरा 1.5 घंटा उससे भी ऊपर जाता है। हाँ, जाने में लगता। नहीं, सुबह जाने में नहीं लगता, आने में लगता। जबकि 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट से हो गया। ओके, जबकि सुबह बस इतनी फैली भी नहीं होती, दिन में तो फ्रिक्वेंटली फैल चुकी होती है, उसके बाद भी लेट। भीड़ तो होती है आते होते। ये देखो भाई, ये टीम से कुछ ना कुछ लाती रहती है। अब ये टीम बिट्स ले आई मिठाई, अब ये टीम में काम करते, इसका मतलब ये मैं समझ ना फ्री में लाती है, पैसे दे के लाती है भाई। तुम सोचते हो अभी हाइयर डिस्काउंट मिल जाता इसको। टीम बिट्स, हाँ वो मिठाई हो गई ना एक तरीके से, अलग अलग होती है। तो ये जैसे बर्थडे केक है, बर्थडे केक कहते हैं, अच्छा हनी डिप चॉकलेट। ये देखो रोटी बन रही है, कौन बना रहा है? बंधु आज मेरी आटे की तारीफ कर रही है, इसलिए मैं वीडियो लेके आ गया। अरे दीजू ने आज आटा बहुत अच्छा गूंदा, आटा 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 कर रही है, गूंदा आटा। आज सब्जी क्या बनाया बेबी? जुकीनी। मैंने पानी में करके इसलिए रख दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह सुबह निकल चुके हैं, चिड़ियों की चिचाने की आवाज। इंडिया में चिड़िया की चचाने की आवाज़ के अलार्म लगते हैं, ये ऑटोमेटिकली चचाती रहती है, चिच 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 चिच, खिड़की से आवाज़ आती रहती है अंदर। और तो आज संडे है, 3 स्टॉप यहाँ से चलने हैं, 3 स्टॉप वहाँ से चलने हैं, एक ही बस मिलेगी आज तो वैसे भी, तो बस चल दिए। अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, इतना जल्दी जाने के बाद भी चलना पड़ता है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा भी रिसर्च कर रहे हैं मार्केट को इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पैसा रख के पैसा नहीं बनता ना, पैसा रख के पैसा कम होता है। हम मार्केटिंग सीख रहे, तो इस पैसे को इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पे करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, पैसा पैसा बना के देगा, मैं बोल रहा हूँ, देगा, सीख गया ना मैं। ऐसे ही होता भाई, जिस दिन हम इसमें रिसर्च कर करके थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेंगे, ऐसे तो नहीं बोलूँगा एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट टाइम के साथ ही होता है हर कोई। तो आप लोगों को बताऊँगा, समझ में आए तो करना, वरना आपकी मर्जी। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, आप बाकी गार्डन देख लो, रेड 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 रोज, ओए मस्त है ना रोज। तो दोस्तों छुट्टी हो गई, घर जा रहे हैं। सुबह क्या हुआ भाई, बस मैं सोचा मिलेगी तो है नहीं,
वहीं जाता हूँ, कभी कभी बहुत लेट आती है, इधर का कुछ पता नहीं, तीन स्टॉप का, तीन स्टॉप इधर से पैदल, फिर बस, फिर तीन स्टॉप, वो वाला जो मैं आपको बताया था ना पैदल लास्ट का, तो इधर आ गई बस, और आ गई मैं सडनली भाग के उसके पास भी पहुंच गया, एक बंदा उतरा, उसने दरवाजे बंद कर लिए, मैं बोल रहा हूँ ओपन ओपन ओपन, बंदे ने खोला नहीं, क्या एटीट्यूड लेके बैठा बंदा, मतलब घर से लड़के निकला है, वो देखो जी 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 करती भी आ रही है पीछे, कहाँ देखी नहीं रही, वरी 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 वही लड़की है, वही लड़की मामी, देखा भाई यहाँ पे जी जी साली साली कितनी सारी है मेरी यहाँ पे। और हाँ तो बस ये था, और घर जा रहे हैं, वाइफ ने घर पे ही है अभी, वाइफ आज वर्क पे नहीं गई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी भी। हेलो हेलो, मैं कह रहा कौन चिल्ला रहा, कौन चिल्ला सकता आपको जीजू, इतनी दूर से इतनी तेज। और कैसे राज? हेलो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? कह रहे मेरी गंदी सी वीडियो बना रहा, गंदी सी क्या मतलब, संदेह हो कीचड़ में, तबीयत खराब हो रही है मेरे बाबू की, मिलो बाबू, मिलो कुछ पूछो। तो भाई मस्त सब्जी बना के रख दी जो मिलवाए थे ना हमारी साली जी से थोड़ी देर पहले, उसने सब्जी बना दी, एंड एक चाट के लिए थोड़े से छोले बनाए हैं, एंड हम आटा गूंथते हैं, फिर वो रोटी बनाएगी ताकि वाइफ को मिल जाए रेस्ट, तो करते हैं अपना बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो भाई बारिश आ रही है आज, हवा चल रही है तेज, चलो काम पे, मौसम देख लो बाहर से ऐसा हो रहा है, मस्त आ रहा ठंडा ठंडा। व्हाट्स अप, छुट्टी हो गई, घर जा रहा हूँ, मौसम मस्त है, पूरे दिन से बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा ठंडी हवा, अब बारिश नहीं हो रही, अच्छी बात है, घर पे आराम से जा रहा हूँ, गीला गीला हो रहा हूँ, और फ्रेशनेस भी आ रही है, नमी है ना हवा के अंदर, इसलिए जैसे नहा के नहीं निकलते वैसे वाला फील हो रहा है, और हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, वाइफ घर पर है आज, उसका कॉलेज था तो जल्दी आ गई थी, तो घर पर 2 बजे तक घर आ गई होगी। तो अब जा रहे हैं हम घर पे, कल लास्ट दिन है, उसके बाद मिलते हैं, और बताओ कैसे हो सब। लेकिन यार मस्त है, अगर यहाँ पे एक बार बंदा सेट हो जाए ना हर चीज़ से, अच्छी जॉब मिल जाए घर पर, तो लोन पे हो ही जाता फिर, तो अच्छी लाइफ है, मतलब शांत है सब कुछ, और डेवलप तरीके से आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब वही है कि इंडिया में हर चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन फिर भीड़, और दूसरी यहाँ पे कोई चीज़ लेनी है तो दूर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हर गली मोहल्ले में आपको दुकानें मिल जाएगी, ये फ़र्क आ जाता बस, फैसिलिटी आपको हर चुटकी में मिलती है शहरों में, दिल्ली के अंदर यहाँ पे थोड़ा जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा तरीके से बना हुआ है। अब वो ये वहाँ पे अगर आपको चाहिए शांत खाली, तो भाई शहर छोड़ के जाओ, फिर फैसिलिटी से कंप्रोमाइज़ करो, तो यहाँ पे फैसिलिटी और दोनों चीज़ मिल जाती है, इसलिए लोग फिर आ जाते हैं, बाकी महंगा तो पड़ता ही है, कहने की बात है भाई कि उधर जाके गुलडोरा में घूमोगे, पर खर्च भी तो हो रहा है, अब इस हिसाब से मैं 70,000 तो रेंट दे रहा हूँ, क्या दिल्ली में 70,000 रेंट देता ना कहीं पर रहने के लिए, 70,000 रेंट में तो बस आलीशान, मतलब कोठी टाइप में फ्लोर मिलता है पूरा। महंगा सस्ता तब है जब आप कमा रहे हो और इंडिया में खर्च कर रहे हो, लेकिन आप जब कमा रहे हो तो यहीं खर्च करोगे, क्योंकि बंदा तो यहीं रहेगा, कमा रहे हो इंडिया भेज रहे हो, इंडिया में लोग खर्च कर रहे हैं उनके लिए है अच्छा, जो यहीं रह रहा है कमा रहा है तो उसके लिए महंगा सस्ता वो कुछ नहीं है, उसके लिए तो कम ही लगेगा उसको, तो यार और होनी चाहिए सैलरी, और होनी चाहिए इंडिया वाले हिसाब किताब होगी ना फिर, जैसे सैलरी वहाँ कम लगती है यहाँ भी कम लगती है लोगों को फिर। दांतों को पानी मिल गया भाई, कुछ भी नहीं, आदत पड़ी हुई है, लेकिन आयो रे आयो झूमर रे छलकार, चल मतलो चियर चियर छलकार, फूल कैसे लटक गए, हेलो फूल कैसे लटक गए, देखो सारे
इतना वेट हो गया इनका, जमीन छूने लगे। ये रोज देखो भाई, रोज भी नीचे गिर गया, सारे नीचे हो गए, हैवी हो गए ना, हैवी नहीं हैवी। ये देखो यार, हाय खुशबू, खुशबू तेरी रंग का। भाई घर आते ही मिला है दूध गिलास भर के, दूध पियो अब से रोज आते ही, क्योंकि सोते टाइम पीना तो फिर हजम नहीं होता मेरे को। भाई आज आते ही दो दूध पी लिए, कॉमेडी देख लिए घंटा बैठे बैठे, और अब खाना, वाह मस्त आनंद मिल गया। अब जल्दी छो भी जाएंगे, भूख लग रही है, जल्दी से खा लो, कल का टिफिन पैक चलाओ भाई, टेस्टी है।